ये हीरो होंडा अचीवर है, उसकी इंजन है। ये मैं इसका चैम्बर चेंज कर रहा हूँ, इसे मैं खोल के रखा हूँ। ये मुझे धुआं नहीं दे रही थी तो मैं इसका ब्लॉक को बाहर नहीं निकाला हूँ, ब्लॉक को हल्का सा स्टेक खोलकर ऊपर कर दिया हूँ और चैम्बर को बाहर कर लिया हूँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे मैं क्यों खोला था। इसका यह चैम्बर है, ये चैम्बर देख रहे हैं आप, ये चैम्बर इस जगह से टूट गया है, देख रहे इस जगह से टूट गया है। इसे 2-3 बार वेल्डिंग कराया जा चुका है लेकिन ये नहीं चला, नहीं सक्सेस हुआ। ऑयल वगैरह फेंक रही थी, बार बार टूट जा रही थी और सेल्फ काम नहीं कर रहा था। किक मारने पर आवाज़ आ रही थी, सेल्फ ऊपर चला आ रहा था ना तो आवाज़ आ रही थी। तो इसे हम चेंज करेंगे। ये चैम्बर हमको कहीं मिला नहीं, ये गाड़ियाँ 1 महीने से खड़ी थी, ये चैम्बर के चलते इस जगह पर टूटा हुआ है। तो चैम्बर कहीं से अरेंज नहीं हो रहा था तो मैं सेकंड हैंड कहीं से अरेंज किया हूँ इसे और वो लगाऊंगा, क्योंकि न्यू मिला नहीं, ये गाड़ी भी बंद हो चुकी है और कहीं इसका पार्ट्स मिला नहीं हमें। ये क्रैंक वगैरह सारा चीज़ ठीक है, ये इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ चैम्बर के चलते ये गाड़ी 1 महीने से खड़ी थी इस जगह पर जो टूट गया है, और सेल्फ भी काम नहीं कर रही थी और इंजन आवाज़ भी कर रही थी, इस कारण ये गाड़ी खड़ी थी। इसका हेड वगैरह भी सही है, हेड में भी कोई काम नहीं है, मतलब मिला जुला के पूरा इंजन में कोई काम नहीं है, सिर्फ चैम्बर ही इसका टूटा हुआ था। ये 2 स्टेक हमने निकाल कर ब्लॉक को ऊपर कर दिया है ताकि हमें पिस्टन ना निकालना पड़े और रिंग वगैरह चेंज ना करना पड़े। और मैं आपको इसका दूसरा चैम्बर दिखा रहा हूँ जो मैं लेकर आया हूँ। ये इसका दूसरा चैम्बर है, ये यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर कहीं भी इस चैम्बर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी क्रैक वगैरह भी नहीं है, देख रहे हैं पूरा फ्रेश है। मैं इसे लेकर आया हूँ सेकेंड हैंड बाय किया हूँ इसे, और इस जगह पे ये टूटा हुआ। और ये देखिए, ये दोनों सेम चैम्बर है, एक ही चैम्बर में लेकर आया हूँ, जिस साइड का क्रैक है वही चीज लेकर आया हूँ। तो इस चैम्बर को मैं हटा देता हूँ और इसे चैम्बर को लगाऊंगा, ये जो टूट गया है उसे हटा दूंगा और इसे लगाऊंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हल्का सा सेल्फ लगाने में फंस रहा था तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा उसे घिसाई किया है, घिस दिया उसे ताकि सेल्फ आराम से चला जाए, क्योंकि लगाने के बाद वहाँ पर घिस भी नहीं पाऊँगा, पहले से वेल्डिंग किया हुआ वहाँ पर। और चलिए मैं इसका चैम्बर को हटाकर ये चैम्बर लगाता हूँ जो मैं लेकर आया हूँ, ये चैम्बर को हटा देता हूँ। और इसमें हालांकि पैकिंग नहीं होती है, ये इसका सेल्फ है, देख रहे हैं इसका सेल्फ भी मार खा गया है, इस सेल्फ का आर्मेचर मार खा गया, वो चैम्बर टूट गया इस कारण, देख रहे पूरा गड्ढा हो गया है, ये नहीं चलेगा, ये पूरा ख़राब हो गया है। मेरे पास एक पुराना आर्मेचर है, मैं वो डाल दूंगा और बाद में इसमें सेल्फ न्यू डाल दूंगा मैं, फिलहाल मैं इसे कंप्लीट करके दे दूंगा। देख रहे आर्मेचर इसका पूरा ख़राब हो गया, हालांकि सेल्फ सही है, सेल्फ घूम वगैरह सब रहा है, लेकिन ये गड्ढा हो गया आर्मेचर में तो ये काम नहीं करेगा। चलिए मैं इंजन के पास चलता हूँ। तो इसका इंजन में पैकिंग नहीं लगा हुआ होता है तो क्या करेंगे हम, इसे पूरा साफ करके चैम्बर और इसमें बोन डालेंगे, और बोन डालने के बाद हम चैम्बर को लगाएंगे। तो चलिए हम इसे पूरा थोड़ा साफ कर लेते हैं साइड साइड से, उसके बाद हम इसमें बोन लगाते हैं। ये साफ कर दिया हमने, अब इसमें हम बोन लगाएंगे। इसका जो मेन चैम्बर में होता है वो वहाँ पर पैकिंग नहीं लगा हुआ होता है मेन चैम्बर में, तो हमें बोन का ही सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि बोन ही लगा हुआ होता है। तो मैं यही बोन यूज करता हूँ क्योंकि इस बोन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है, और ये रबर टाइप का होता है, आसानी से निकल भी जाता है। चलिए अच्छी तरह से मैं चारों तरफ बोन लगा देता हूँ। मैं इस इंजन को सिर्फ चैम्बर के चलते ही खोला, नहीं तो इस इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। हल्का सा टाइमिंग चेन लूज है, मैं टाइमिंग चेन भी इसका चेंज कर दूंगा और चैम्बर लगा दूंगा और इंजन ऑयल डाल दूंगा, बस इतना ही काम है इसमें, सिर्फ चैम्बर उठाकर डाल देना है और टाइमिंग चेन लगाना है और कुछ भी नहीं करना है गाड़ी में। तो इसका सोलेशन लगा कर हम इसमें बोन लगा कर इसका चैम्बर को लगा देते हैं। ये पूरा अच्छी तरह से हमने बोन लगा दिया इसमें, उसके बाद हम चैम्बर को लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सी गाड़ियां जो बंद हो चुकी है उसका सामान बाज़ार में अवेलेबल नहीं होता, तो हमें कहीं ना कहीं से अरेंज करना होता है, क्योंकि हर लोगों के पास बजट नहीं होता है कि दूसरी गाड़ी खरीद ले। अगर उनकी पुरानी गाड़ी सही है, कुछ छोटा मोटा पार्ट्स के चलते वो खड़ी है, तो उसे किसी तरह अरेंज करके चलाना पड़ता है। सबका बजट उतना नहीं होता है कि 1 लाख रुपये की गाड़ी खरीद ले,
चलिए हम इसका सारा चैम्बर का बोल्ट वगैरह लगा देते हैं। और क्रैंक में तीन पत्ती होता है इसमें लगा हुआ, क्रैंक का बैरिंग को पकड़ के रखता है, उसे भी हम लगा देते हैं। सभी को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद इसका ब्लॉक का पैकिंग भी फट गया है, ब्लॉक का पैकिंग भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ब्लॉक का पैकिंग भी हम चेंज कर लेंगे। सबको टाइट करने के बावजूद बाद सारा चैम्बर का बोर्ड को हम टाइट कर लेंगे। ये हमने सारा चैम्बर का बोर्ड को टाइट कर लिया है, ये कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इसका ब्लॉक का पैकिंग फट गया था तो ब्लॉक का पैकिंग हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद सारा इंजन को फिटिंग कर देंगे। क्लच हमने नहीं खोला क्योंकि क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और क्लच खोलने का ज़रूरत भी नहीं था हमें, इसलिए हमने क्लच खोला ही नहीं क्योंकि ये साइड का चैम्बर से हमें कोई मतलब ही नहीं था। पिस्टन को ऊपर करके हल्का साफ कर लेंगे पिस्टन को, और पिस्टन को साफ करने के बाद इसमें पैकिंग लगाकर हम इसे फिटिंग कर देंगे। हल्का कार्बन लगा हुआ है पिस्टन में, इसे साफ कर लेते हैं हम। और हेड को हमने साफ कर दिया पहले से ही, और इस जगह पर पैकिंग लगाकर हम हेड और ब्लॉक को टाइट कर लेंगे। ये स्टेक इसका बाकी लगाना बाकी है, इसका जो हेड का डॉगल है उसे भी लगाएंगे। तो पैकिंग लगाने के लिए सबसे पहले हमें स्टेक को खोलना होगा, ये दोनों स्टेक को हमें खोलना होगा। ये दोनों स्टेक को हम खोल लेते हैं, पहले से दो स्टेक खोल के रखे हैं लेकिन पैकिंग फट गया, इस कारण हमें दोनों स्टेक को खोलना होगा। ये दोनों स्टेक को हम खोल लेते हैं इसी तरह चेकनेट करके, 13 नंबर नट लगाकर चेकनेट करके हम दोनों स्टेक को खोल लेंगे। हम लोग स्टेक ऐसे ही खोलते हैं, स्टेक का पुलर नहीं रखे हम लोग क्योंकि ऐसे आसानी से खुल जाता है, कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये दोनों स्टेक को निकाल कर हल्का सा ब्लॉक ऊपर कर लेंगे और पैकिंग को डाल देंगे। इस जगह पे हमने कट करके पैकिंग को डाल दिया और हल्का से यहाँ पर बोन लगा देंगे जिस जगह पे हमने पैकिंग को कट किया है, लगाकर ब्लॉक को बैठा देंगे। ब्लॉक को हमने बैठा दिया, अब हम क्या करेंगे कि इसका चारों स्टेक को लगा देंगे। पहले पैकिंग चेक कर लेते हैं ठीक से बैठा या नहीं, अब इसका चारों स्टेक को लगा देते हैं। जैसे चारों स्टेक हमने खोला, चारों स्टेक को लगा देते हैं, और चारों स्टेक को लगाने के बाद इसका हम हेड फिटिंग करेंगे। उसी तरह 13 नंबर नट लगाकर हम चारों स्टेक को लगाएंगे, एक में लगा हुआ है उसे टाइट करने के बाद उसे खोलकर दूसरे में लगाएंगे। इसी तरह करके हम चारों स्टेक को टाइट कर लेंगे। चारों स्टेक को हमने टाइट कर लिया, अब हम पैकिंग लगाएंगे इसका हेड का पैकिंग। हेड का पैकिंग लगा देते हैं और लगाने के बाद हेड को लगाकर इसमें टाइट कर लेंगे। अब हम हेड को फिटिंग करते हैं। टाइमिंग चेन को ऊपर खींच लेंगे और उसका स्पॉकेट फंसा देंगे। उसके बाद हेड का चारों बोल्ट को टाइट कर लेंगे।
कहीं फंस रहा है। ये लग गया, अब हम इसका चारों स्टेक को टाइट कर लेते लगाकर। पहले 10 नंबर का 2 बोल्ट लगा हुआ रहता है लंबा लंबा टाइमिंग चेन साइड में, उसे फंसा देंगे। सारे बोल्ट को पहले फंसा लेंगे, उसके बाद बारी बारी से सबको टाइट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम पहले किसी को टाइट कर लेते हैं तो दिक्कत होगी फंसने में हमें। चारों स्टेक को टाइट कर लेंगे और टाइमिंग चेन वगैरह को लगा देंगे। ये हमने सभी स्टेक वगैरह को टाइट कर लिया है, टाइमिंग चेन वगैरह सब फिटिंग हो गया है, टाइमिंग वगैरह सब मिल गया है। अब हम इसे इंजन में चढ़ा देंगे और इंजन में चढ़ाकर हम इसे कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। कंप्लीट करने के बाद ये हमने गाड़ी में इसे चढ़ा दिया, कंप्लीट हो गया ये। इसमें इंजन ऑयल वगैरह हमने सब डाल दिया, इस जगह पे ये क्रैक था इसी जगह पे, और सेल्फ में आर्मेचर भी डाल दिया, एक हमारे पास पड़ा हुआ था। ये हेड वगैरह सब, कैप वगैरह सब लगा दिए हम, सारा चीज़ कंप्लीट है। चलिए हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट हो गई, कोई भी साउंड नहीं है, साउंड बहुत अच्छी आ रही है। और ये कंप्लीट हो गई, अब इसमें कुछ भी नहीं करना, और ज़्यादा हमें इसमें कॉस्ट भी नहीं आया। मैं पुराना चैम्बर लेकर आया था, पुराना चैम्बर को हमें 1200-1300 रुपये का आसपास लगा, और बाकी इसमें टाइमिंग चेन और इंजन ऑयल मतलब 2200-2300 रुपये खर्च हुआ मैकेनिक चार्ज लेकर इसमें, और ये पूरा फुल रेडी हो गया। ये एक चैम्बर के चलते बहुत दिनों से खड़ा था गाड़ी, चैम्बर मिल ही नहीं रही थी। बहुत जगह ऑर्डर भी दिया हुआ था लेकिन चैम्बर नहीं मिल रही थी, इस कारण हमें सेकेंड हैंड बाय करना पड़ा। चैम्बर के चलते गाड़ी खड़ा रखना ठीक नहीं लगा मुझे, तो मैं कहीं से खरीद कर ले आया और इसे लगा दिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।